Yeah, but. कैसा लग रहा है खाना? मैंने 2 साल के बाद पूरी खाई, दिल खुश हो गया. और मैंने 11 खाया है अभी तक, और वहां पर 4 मेरी तरफ देख रहा है और मैं खाने वाला हूँ. मैं यहाँ पर खीर भी है. कल के वर्कआउट में मैं बहुत मोटा लगने वाला हूँ. यश एकदम ऐसे श्रेडेड लगेगा. नहीं, मैंने भी अपने लिए पूरी मंगवाई है, ठीक है ना. और पता है पूरी भी मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ. यूजुअली मेरे घर पे भी नहीं बनती है, और जब भी बनती है मम्मी को मना कर देता हूँ, क्योंकि ऑयली वगैरह बहुत कम खाता हूँ. बट अभी आज बसंत पंचमी है और ये और खा रहा है, और मैं तो फिर खाना ही चाहिए, नहीं तो ये बोलेगा कि केवल इसका इरादा है मेरे को मोटा करवा के लेके जाने का. गाल फूले फूले लगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने अपने खीर का फर्स्ट बाइट ले लिया है. पूरी और खीर कॉम्बिनेशन ट्राई करो सब, बहुत ही बढ़िया. देखो ये जब उसकी मम्मी लाई थी ना, ऐसे पूरी ओवरफ्लो हो रही थी. चुपचाप खत्म कर दी. बीच में बोला कि नहीं खाएगा. अरे यार, पहले इसने मुझे पूरा खीर खत्म करवाया और फिर बोला मैं नहीं खाऊंगा. खा ले. खा रहा हूँ ना, 4 चम्मच खा के खत्म करते हैं ना. खीर पसंद है ना शैडो तुझे? शैडो इसका हाथ बताएगा. शैडो बस हो गया. नहीं देखा क्या क्या यश खत्म कर. भाई बहुत खा लिया मैंने. हाँ. मैं कभी नहीं खाता इतना पिंटा, पता है. भाई सच में जा रहा है मीठा मीठा. और मेरे एब्स गए ना, केवल एक जिम्मेदार होगा मेरी वजह से. यस यस गुड खत्म यस. तो अभी अब सोने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ. साकेत सो चुका है क्योंकि कल से नहीं सोया है, तो आज इसको जल्दी नींद आ गई. मैं अभी एडिटिंग कर रहा था तो अभी सोते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. मॉर्निंग विशर. रात को पैरों पर ही सो रहा था ना, बिल्कुल पेट पर सर रख के. बहुत क्यूट लगा. पूरी रात ऐसे सोता है कभी? अरे कई बार. अच्छे सोया? कौन? हाँ, मस्त एकदम. तू पता है मस्त कराटे मारता है, पता है रात में. वो क्या बोलते हैं, मैं रात को मतलब पहले एडिटिंग करी मैंने, उसके बाद मैं सोया, धीरे धीरे खर्राटे आना स्टार्ट. मैंने कहा ये यही मार रहा है ना, फिर देर को देखा मैंने क्या सोया. पर क्योंकि उसके पिछले वाले रात को मैं बिल्कुल नहीं सोया था ना. यहाँ पर साकेत. अरे थैंक यू. ओह ओट्स, ये क्या है? ये जो पूरा वो रहते हैं नट्स वगैरह सबको. अच्छा, मिक्स करके उनकी पाउडर है. हाँ, उनके पाउडर फॉर्म. वाओ, किशमिश वगैरह. यस, मैंने ओट्स कितने टाइम से नहीं खाया है. तूने ओट्स नहीं खाया बहुत टाइम से? कल नहीं खाया पूरे दिन, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से नहीं खाया. और बोल रहे कितने टाइम से नहीं खाया. सबको पता है कि मुझे ओट्स इतने अच्छे लगते हैं. मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने थोड़ा सा प्रीमियर प्रो सीखा इससे, साकेत से. अभी लट्स कैसे यूज करते हैं, बेसिक करेक्शन, कलर करेक्शन, ये थोड़ा बहुत सिखाया. मैं कचड़ा ना कर दूं सब कुछ अभी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मुझे ज्यादा. कल रात को मैंने देखा ये फोन पे एडिट कर रहा था. बाप रे, एक तो फोन का स्क्रीन इतना सा रहता है, उसमें इतने छोटे छोटे कट्स. तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं, तो जो मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ वो मैं करवाने वाला हूँ. और ये बहुत टाइम से बोल रहा है कि इसको वाला वर्कआउट करना है. रात से इतनी बार इसको बोला है. और अभी हम लोग पोजिंग भी करेंगे, और इसको पोजिंग करने का बहुत ज्यादा मन है कि पोजिंग मुझे सीखना है, क्योंकि मेरे पास 2-3 स्टैंडर्ड पोजेस है, उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है. सो चलो फिर अभी आज जाके देखते हैं, मजा आने वाला है. आज ये हमारी कार है, ये हम है, और ये पार्टी हो रही है. Yeah.
मजा आ रहा है। लोगों को प्रोटीन की भूख होती है एकदम से कि प्रोटीन दो पानी दो इसको वर्कआउट की जज्बा। नहीं सर ने मुझे सर ने वर्कआउट के पहले मेरे दिमाग में ये डाला कि बाद में बटर चिकन मिलने वाला है इसीलिए मैंने इतना हार्ड वर्कआउट किया और अच्छा होना चाहिए। अरे एक नंबर तो अभी हम लोगों ने चेस वर्कआउट कर लिया है, डिनर करने जाएंगे हम लोग और जिस वजह से इसको लालच दिया था वर्कआउट कराने का बटर चिकन हम बटर चिकन खाने के लिए जा रहे हैं बटर चिकन। अभी मैं गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ और मुझे मैंने देखा है तेरा थोड़ा थोड़ा ड्राइव बटर चिकन खाना है। वैसे काफी सिंपल है आज बाइक तू चलाता है ना कॉन्सेप्ट सेम है। मेरे को वो नहीं पता ना कोऑर्डिनेशन और वो सब नहीं कितना स्पेस ले रही है गाड़ी मतलब बाइक का तो मुझे वो जजमेंट आ जाएगा। तो अभी हम लोग ढाबे पर आ गए हैं यहाँ पर बटर चिकन खाने क्योंकि बटर चिकन फाइनली बहुत बहुत एक्साइटेड है। कमेंट करो कि मैंने यश के ब्लॉग में बटर चिकन कितने बार बोला है मैं खुद क्यूरियस हूँ। और अगर जिसने सही बताया उसको ये बटर चिकन का गिव अवे करेगा पर वो बदबू मारता हुआ आएगा आपके घर तक। देखिए कैसा लग रहा है तेरे को साकेत जी साहब। वाओ अनबिलीवेबल मैं इतना भूखा हूँ अभी अनबिलीवेबल।
मैं साकेत से दो तीन वर्ड सीख चुका हूँ, पता है? साकेत से दो तीन वर्ड सीख चुका हूँ मैं। एक तो ये कोई लोकेशन इसको अच्छी लगती तो पता कैसे बिहेव करता साकेत ऐसे। मैं सोचता हूँ अच्छा ऐसे रिएक्ट नहीं करना होता कि अच्छा लग रहा है, इतने से काम हो जाता है। सेकंड इसका मान लो कोई भी चीज़ हो, कुछ चीज़ें मज़ा आ गया ना इसको, कैसा लगा साकेत? अनबिलीवेबल। खत्म, टॉपिक खत्म, ज़्यादा बातें मत कर मुझसे, मेरे टॉपिक यहीं पे खत्म कर। अनबिलीवेबल, मुझे पता नेचुरली निकलता है दिल से। बेस्ट बटर चिकन, बेस्ट एस्थेटिक्स, ये इंडियन मस्त खाना। अरे यार देख सकते हो आप, प्लेट देखो भाई की उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। यस, पर इसका नेक्स्ट स्टॉप आप लोगों को नेक्स्ट स्टॉप नहीं पता ना, मजा आने वाला है। पिछले 2.5 साल से यश हैज बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड ही स्टिल इज। ओके, मैंने जब इसको, मैं बहुत टाइम से इसको टेक्स्ट कर रहा हूं, मैं इसके पोस्ट सेव कर रहा हूं, जब इसका पहली बार रिप्लाई आया मैं कूदना चालू किया और फिर हम बातें करने लगे, और फिर जब वो नोटिफिकेशन आया द यश आनंद स्टार्टेड फॉलोइंग यू, मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, मैंने वो स्टोरी पे डाला। अच्छा, इतनी मुझे खुशी मिली, आई कांट डिस्क्राइब इट। और अभी मैं इसके घर पे रह रहा हूँ, अभी मैं इसके साथ सेम गाड़ी में बैठा हूँ। यस, ड्रीम्स डू कम ट्रू, ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू, मेहनत करो। मैं बस ब्लश कर रहा हूँ अभी, बट लिटरली यार बहुत इंस्पायरिंग है इसकी जर्नी। सीरियसली मैंने इसकी छोटी छोटी ग्रोथ देखी है, पता, ऊपर उठते हुए, मतलब ये जब पूछता था कुछ भी चीज़ है, कुछ भी मैंने देखा है। आप लोगों को पता मैं यहाँ पर एक्चुअली टेक्निकली यश की वजह से हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे वो पुश मिला टू स्टार्ट माय हिंदी चैनल, जिसके बिना मैं यहाँ पर अभी बैठता ही नहीं। सर को नहीं जानता, मैं किसी से नहीं मिलता। यश की ना, मतलब मैं इंग्लिश में व्लॉग्स करता हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश से, बट मैं हिंदी से कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? तो मैंने कहा था कि यार हिंदी से लोग बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि इंडिया में हिंदी से ही कर पाएंगे कनेक्ट। इंग्लिश में बात करोगे तो लोग रिलेट नहीं करेंगे, काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो जो लोग देखना भी चाह रहे होंगे ना वो नहीं देख पाएंगे। देन ही स्टार्टेड हिज हिंदी चैनल कम्फर्ट जोन बहुत ज़्यादा। फिर तो डे बाय डे वो सारी चीज़ें होती गई जो ड्रीम किया हुआ है ना, ये भी ड्रीम ही है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर गाजर का हलवा खाया, कैसा लगा? पेट फटने वाला है, बहुत अच्छा था। दूध भी पिया हमने, वो बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट किया। अभी हम घर जाएंगे एंड शैडो को घुमाएंगे, और फिर कल एक बहुत अच्छा दिन होने वाला है। अच्छा, शैडो को घुमाना है, उसी बहाने थोड़ा खाना नीचे चला जाएगा ना। अरे सर पे डाल, ये बात दिल खोल के ना जा भाई, बहुत मजा आया। एम्प्टी रोड है यार, मुझे पुणे में ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। मे बी 3-4 बजे रात के, और 3-4 बजे भी इससे ज्यादा ट्रैफिक होगा पुणे में, ये पूरा 3-4 बजे भी इतना ट्रैफिक। हाँ हाँ, इससे ज्यादा तो होगा ही। अब बस घर जाके सो जाना है, बहुत काम करना होगा क्या? थोड़ी लिस्ट बनानी, हाँ लिस्ट बनानी होगी, हम भूलते रहते हैं। एक तो पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि हम दोनों आपस में बात करने में इतना बिजी हो जा रहे हैं ना, कि भूल जा रहे हैं कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। ऐसे बहुत बार हुआ है कि हमने डिसाइड किया कि ये पॉइंट पे अभी काम करेंगे, पर बातें कुछ और ही लगने लगती है, फिर याद आता है 15 मिनट के बाद कि ये करना था, कि हाँ ये भूल गए। तो वो चीज़ बहुत हो रही है। आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, एंड आई होप गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लीव अ लाइक, और अगर आप यश को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिए @saketgokhale। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल एंड पीस।